हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया मसंद एक बार फिर आप सभी का एस्ट्रो नक्षत्र जेम्स डेस्टिनी इन योर हैंड में स्वागत करती हूं। और मैं ये जानना चाहती हूं कि आगे के वीडियो में आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं और किस प्रकार की समस्याओं के समाधान आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं पिछले 18 सालों से इस फील्ड में न केवल वास्तु, ज्योतिष, हीलिंग बल्कि माइंड ट्रेनिंग के फील्ड में भी बहुत सारी क्लासेस और सेमिनार्स लेती हुई आ रही हूँ। मैं ये फॉर्मली बिलीव करती हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ने हमारे अंदर एक सूक्ष्म रूप में सबकॉन्शियस माइंड जो दिया है वो भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी पहले से ही अपने अंदर रखता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में नेम, फेम, मनी, सक्सेस, हेल्थ, पावर नहीं चाहता हो? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो, अच्छे संबंध हो, समय पे मैरिजेस हो, संतान हो, परिवार बहुत खुशी वाला हो और हर प्रकार की इच्छाएं उसके जीवन में पूरी हो। सब तो चाहते हैं पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि आप लोग जानना चाहते होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं जो अच्छी घटनाएं हैं या अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं तो उसका कारण आप खुद हो सकते हैं। कई लोगों से मैं मिली हूं और उनको अगर आप कई लोग ऐसे हैं जो एप्रिसिएशन मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप अच्छे लग रहे हैं तो आप उसका जवाब ये देते हुए अक्सर देते हैं कि नहीं, ठीक है, अच्छी लग रही हूँ, ओके फाइन, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उसको अपने मन में नहीं लेते हैं। अगर कोई तकलीफ होती है तो बार बार उस तकलीफ के बारे में सोचते हैं और कोई भी समस्या आती है तो सारा दिन और सारी रात भी कई बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि मुसीबत अकेली नहीं आती है, अपने साथ अपनी सखी सहेलियों को भी लाती है। बिल्कुल वैसा ही होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर आप किसी समस्या को लगातार सोचते हैं तो जैसा कि आप जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि हमारे शरीर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहती है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है। आप जिस बारे में सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस आपके पास वापस आते हैं। अगर आप दुखी हैं तो यूनिवर्स में जितने भी दुख तकलीफें हैं किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ती जाएंगी। तो इसीलिए आज के बाद अगर आपको कोई तकलीफ है और उसके बाद उस तकलीफ से आप निकलना चाहते हैं, ये तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं या उस समस्या को भूल नहीं पा रहे हैं तो एक चीज करिए कि किसी उसी समय अचानक से आप कोई ऐसी घटना को सोचिए, कोई ऐसी मूवी हो या कोई भी व्यक्ति, कोई भी फिल्म स्टार अगर आपको पसंद है या किसी फिल्म का कोई सीन आपको पसंद है तो उसको याद करते हुए जो अचानक से आपके चेहरे में स्माइल या खुशी आ जाती है उसको रात के समय रिकॉल करिए और सो जाइए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आपके पास वही खुशियां आनी चाहिए और धीरे धीरे आपके लाइफ में इस प्रकार की घटनाएं होंगी कि आपको धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियाँ हट जाएंगी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सो दैट मैं आप सभी को फ्यूचर में और अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराऊं, जिससे आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप जीवन में और अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे।